आगे आने वाले समय में क्रिप्टो को लेकर के जो तमाम रेगुलेशंस हैं उनको लेकर के आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि थाईलैंड में पहले क्रिप्टो के ऊपर वहां पर वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, दोस्तों उन्होंने वहां पर उसे बिल्कुल खत्म कर दिया है। कमेंट यहां पर ले लेते हैं, आकाश आनंद जी का है। भाई राहुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बी रॉक चलेगा कि नहीं? हेलो गाइज, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, साउथ कोरिया में क्या है, और साथ साथ थाईलैंड को लेकर के क्या अपडेट है, कि वहाँ पर टैक्सेशन को लेकर के क्या अपडेट रिलीज हुई है, जो कि पूरे के पूरे देश वहाँ पर उसे देख रहे हैं कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कल जो मैंने वीडियो अपडेट यहाँ पर बनाया था कि बीलव को लेकर के, BFIC गोल्ड को लेकर के, इनोवेशन फैक्ट्री को लेकर के, तो कंप्लीट बात करने वाले हैं वीडियो में। शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहिएगा, सारी की सारी चीजों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर जो आपने कमेंट किए हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चाहे क्रिप्टो को लेकर के आपको कुछ पूछना हो, साथ ही साथ आपका क्या पोर्टफोलियो है, और चाहे किसी भी चीज को लेकर के अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो भाई आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट आपका वैल्यूएबल कमेंट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट यहां पर मैं जरूर लूंगा विद नेम, आपके नाम के साथ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, हमारा टारगेट है मात्र यहां पर 250 लाइक का, इसे आपको कम से कम पूरा करा देना है जल्दी से जल्दी। अब दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं कि भाई यहां पर साउथ कोरिया में क्या चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि पूरे के पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में यहां पर तहलका मचा हुआ है। वो किसको लेकर के? कि भाई जो रेगुलेशंस हैं उनको लेकर के यहां पर मार्केट में, इंडिया को लेकर के तो आप सभी को पता है कि यहां पर अभी फिलहाल जो ऐसी स्थिति पहले थी वही स्थिति आज के समय पर जस की तस बनी हुई है। लेकिन अब जो मेन केस यहां पर निकल करके आया है उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं बात कि साउथ कोरियन क्रिप्टो क्रिमिनल्स फेस लाइफ इंप्रिजनमेंट। दोस्तों ये जो केस हुआ है ये हुआ है साउथ कोरिया के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा केस है वहां को लेकर के, और इसी वजह से क्रिमिनल ने दोस्तों वहां पर 5 बिलियन वॉन, क्योंकि साउथ कोरिया में वॉन करेंसी चलती है, और $3.8 मिलियन का दोस्तों उन्होंने लगभग इलीगल क्रिप्टो प्रॉफिट वहां पर फेस किया, और जिसकी वजह से दोस्तों लाइफ सेंटेंस यानी कि उसे उम्र कैद की सजा वहां पर दी गई है। तो दोस्तों यहां पर ये बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है कि भाई आगे आने वाले समय में क्रिप्टो को लेकर के जो तमाम रेगुलेशंस हैं उनको लेकर के आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि सारी की सारी चीजें उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जा रही हैं कि जिनको लेकर के हमें और आपको बिल्कुल यहां पर अभी ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहां पर टेरा लूना को लेकर के एक न्यूज ऑलरेडी आप सभी को पहले ही पता है कि 2022 में आई थी। टेरा लूना का जब वहां पर क्रैश हुआ था तो क्रैश के साथ में वहां पर जो डूनोन है, आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, जो कंपनी के CEO थे उन्हें वहां पर USA में अरेस्ट करके वहां पर जेल में अभी फिलहाल के समय पर वो चार्जेस हैं उनके ऊपर, लगभग 8 चार्जेस हैं जो कि उनके ऊपर लगाए गए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ही फेसेस 8 चार्जेस इंक्लूडिंग कमोडिटी फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड, कॉन्फ्रेंसी टू डिफ्रॉड एंड एंगेज इन मार्केट मैनिपुलेशन। तो ये तमाम चार्जेस वहाँ पर लगाए गए हैं। अब जो टेरा फॉर्म है, जो टेरा लैब है, उसके जो फॉर्मर CFO है, तो भाई उन्हें वहाँ पर अरेस्ट करके USA में भेज दिया गया है, और क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर केस है, केस रजिस्टर्ड है, तो एक प्रत्यर्पित संधि जो होती है कि अगर आपके पास में कोई जो मेन अपराधी आप किसी कंट्री के पास में है वो दूसरी कंट्री से उसी का साथी अगर कोई पकड़ा जाता है, तो भाई एक ट्रीटी होती है, संधि होती है, तो उस संधि के तहत वो कंट्री उस देश को वो अपराधी सौंप सकता है जहां पर एक ही चार्जेस में दोनों वहां पर संलिप्त थे। तो ये चीजें ऑलरेडी वहां पर निकल करके आई हैं। अब आपको पता होगा कि दुबई दोस्तों एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब बन चुका है, सभी लोग चाहते हैं दुबई में जाना, दुबई में सेटल होना, लेकिन वहां पर रहने के लिए क्योंकि महंगा है, और कोई भी देश ये चाहता कि भाई बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो वहां पर हमारे पास में आए। अभी फिलहाल क्रिप्टो मार्केट की अगर हम यहां पर बात करें तो भाई एक बहुत बड़ी गुड न्यूज यहां पर निकल करके आई है। थाईलैंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अनाउंस्ड द एग्जेम्पशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों जो थाईलैंड में पहले क्रिप्टो के ऊपर वहां पर वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, दोस्तों उन्होंने वहां पर उसे बिल्कुल खत्म कर दिया है। 7% के आसपास का दोस्तों वहां पर ये टैक्स लगता था, और ये आप सभी को दिख रहा होगा, द रेगुलेटर हैड डिसाइडेड टू
इज टैक्स रिड्यूस बाय सस्पेंडिंग द रिक्वायरमेंट टू पे 7% टैक्स ऑन इनकम डेराइव्ड फ्रॉम क्रिप्टो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2024 विद नो एक्सपायरेशन डेट। तो अभी फिलहाल के समय पर थाईलैंड में जो टैक्स पिछले साल 2023 दिसंबर 31 तक वहाँ पर लगेगा, उसके बाद में 1 जनवरी से लेकर के और फिलहाल का और आगे आने वाले समय तक के लिए फिलहाल वैट को वहाँ पर क्रिप्टो से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि थाईलैंड चाहता है कि थाईलैंड में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और सभी देश ये चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे दुबई ने एक बहुत बड़ी रफ्तार ली है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसी तरह से दुबई की ही तर्ज पर थाईलैंड भी ये कोशिश कर रहा है कि भाई आने वाला जो फाइनेंशियल इकोनॉमी हब अगर कोई बने तो वो थाईलैंड बने, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, लोग अच्छे खासी संख्या में आते हैं और अगर बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस टाइकून और यानी अमीर लोग वहां पर जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, रहेंगे, रहना पसंद करेंगे तो उतनी ही अच्छी इकोनॉमी थाईलैंड की भी होगी, क्योंकि फिलहाल के समय पर टूरिस्ट के ऊपर वहां पर थाईलैंड है, लेकिन ये एक आने वाले फ्यूचर को देख करके थाईलैंड ने ये कदम वहां पर उठाया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई यहां पर जो कल की वीडियो थी उसमें कुछ लोगों ने यहां पर कमेंट की है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बिल्कुल फ्री है, आप सभी को पता होगा 1 सेकंड 2 सेकंड का आपको मिनिमम टाइम लगता है, आपको भाई कमेंट जरूर करना है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता होगा बीटीसी का चार्ट आप सभी को दिख रहा होगा, बिटकॉइन $44,773 यहां पर चल रहा है, बिटकॉइन $44,773 पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है और हम रेगुलर आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आपको घबराना नहीं है, ये बाइंग का टाइम है। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, आपको अगर आप मेरे ट्विटर पर होंगे तो आप सभी को पता होगा ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन लगातार वहां पर बाइंग कर रहे हैं और वैनेक का एक यहां पर एडवर्टीजमेंट भी स्टार्ट हो गया है। पहले आप उस एडवर्टीजमेंट की 15 सेकंड की झलकियां देख लें, पूरा एडवर्टीजमेंट देखना है, ये आज ही रिलीज हुआ है तो पूरा एपिसोड देखना है कि वैनेक ने बिटकॉइन ETF को लेकर के क्या अपना एडवर्टीजमेंट नया स्टार्ट किया है, तो भाई आप मेरे ट्विटर पर जाइए, वहां पर आपको पूरा वो देखने को मिल जाएगा, नीचे ही लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, साथ साथ टेलीग्राम को भी। पहले देखिए 15 सेकंड, उसके बाद में हम फिर वापस आते हैं। The world holds on to old ways until it can't. When Bitcoin was born, it broke that endless cycle. It's not a defiance of finance. Bitcoin may help guard against. अब दोस्तों आपने एडवर्टीजमेंट को देख करके आप ये सोच रहे होंगे यार इतनी चीजें आने वाले समय में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब हो रही हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, ये आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन का रेट कहां से कहां चला गया देखते ही देखते। कहते हैं ना कि देखते देखते नजारा बदल गया, देखते देखते आपका विचार बदल गया, तो वही चीजें हैं। नेक्स्ट अब हम कमेंट यहां पर ले लेते हैं, आकाश आनंद जी का है। भाई राहुल मैं आपसे पूछना चाहता हूं बी अब चलेगा कि नहीं, क्योंकि कंपनी जो बोलती है वो करती नहीं, हमने तो अभी तक पैसे दिए हैं, हर मंथ में न्यू प्रोजेक्ट लाते रहते हैं, बी अब को लेकर ये भूल ही गए हैं। आपकी बात बिल्कुल मैं भी एग्री करूंगा उस चीज से बी अब के लेकर के रिगार्डिंग फिलहाल, क्योंकि कंपनी का नया प्रोजेक्ट यहां पर BFIC गोल्ड वहां पर लॉन्च हुआ है तो कंपनी थोड़ा सा बिजी है, बिजी कहें क्या कहें, लेकिन फिलहाल के समय पर जो बी अब को लेकर के जो एक्साइटमेंट लेवल था कंपनी का भी वो फिलहाल थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम है, ये सभी को पता है, जितने भी यूजर हैं, नए यूजर हैं, सबको पता है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे हो सकता है कि कंपनी BFIC गोल्ड की लॉन्चिंग के बाद में फिर दोबारा से बी लव नेटवर्क के ऊपर फुल फोकस के साथ में उसमें काम जरूर करेगी और हमारी भी यही उम्मीद है और आपकी भी शायद यही उम्मीद होगी। कंपनी को पहले बी लव का मामला देखना चाहिए, ये यूजर है इनका, उन्होंने नाम तो इनका नहीं है तो कंपनी को, हाँ वही बात है, पहले बी लव को लेकर के भी साथ साथ कंपनी को, हर कंपनी चाहती है कि समय समय पर कुछ नए नए चेंजेस करें और इसी को लेकर के यहाँ पर बी लव को लेकर के BFIC गोल्ड को लेकर के इनोवेशन फैक्ट्री का यही है कि भाई जो नई नई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कम्युनिटी है उसे वो देना चाहती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी घुमान सिंह, इनका ये नाम है ऊपर। भाई जी गुड प्रोजेक्ट है BLV, मेरे अपनी गलती से मेरे 15 बिटकॉइन ख़त्म हो गए। वो शायद आपने पूरा बात नहीं लिखा है इसमें कि
किस वजह से आपके ख़त्म हो गए, ये तो खैर नहीं, पूरा कमेंट आपका इस वजह से नहीं है। आपको लगता है कि BLV अच्छा प्रोजेक्ट है? हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि BLV अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ लोगों को इसमें कमी भी लगती है। देखो, दोनों तरह के लोग यहाँ पर फिलहाल में हमारी इस कम्युनिटी में है BLV को लेकर के। आप कुछ और पूछना VRC के बारे में, नूर मोहम्मद सिंह, VRC प्लान के बारे में भी बताओ भाई। मैंने फिलहाल के समय पर VRC को लेकर के अपना कोई ओपिनियन या कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी कि जो भी कुछ फिलहाल के समय पर मैं आपको जो बता पाऊँ, आने वाले समय में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, आपने ये बता BLV में हमारा पैसा निकलेगा या नहीं, ओनली सच बोलना, आपकी कोई फैमिली कसम है? भाई कसम की बात नहीं है। देखिए, पैसा आपको किसी भी फील्ड में, पहली बात आपको ये बिल्कुल ध्यान रखनी है, चाहे मैं हूँ, कोई और हो या किसी भी इन्फ्लुएंसर हो, आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट या उतना ही रिस्क लेना है। आपको ना कहीं बैंक से लोन लेना है, ना कहीं कर्ज पानी लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। आप कहीं भी किसी भी जगह पर, चाहे आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप इथेरियम में कर रहे हैं, चाहे आप XYZ किसी भी फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना आप रिस्क ले सकें, जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, उतना ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि कुछ नहीं पता आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, क्या पता क्रिप्टो बिल्कुल वहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो मिलकर के इसे बैन कर दें, क्या आने वाले समय में एक्टिविटीज़ में होने लगें, कुछ नहीं पता है। फिलहाल में ये अपॉर्चुनिटी है हमें इन्वेस्टमेंट की, जो हमें मिली है वो हमने यहाँ पर जो क्रिप्टो में वो की है। 90% BLV की कम्युनिटी वेट कर रहे हैं 500 डे कम्प्लीट इन अगस्त। हाँ बिल्कुल वही है कि 500 दिन का सभी लोग यहाँ पर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, और 500 दिन के बाद में हो सकता है कि एक आर्टिकल मैंने यहाँ पर देखा था शायद ट्विटर पर या किसी उस पर कि फरवरी में भी शायद BLV को लेकर के कुछ एक्साइटमेंट होने वाला है। भाई क्या होगा या किसी ने क्या आर्टिकल वो डाला, पूरी बात तो नहीं है उसमें, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह उसमें वो चीज़ लिखी हुई थी। BLV को बी स्टोर टाइम टू ट्रेवल गेम, ओके, इसमें यूटिलिटी लाना चाहिए, जल्द से जल्द टूर ट्रेवल में BLV लाना ज़रूरी है। ये बात आपकी सही है कि BLV को लेकर के, अगर ये टूरिज्म को लेकर के, फ्लाइट टिकट, मोबाइल का आपका रिचार्ज हो गया, ट्रेन के आपकी बुकिंग हो गई, होटल या बस की बुकिंग हो गई, अगर वहाँ पर इसका यूज़ केस कुछ ना कुछ धीरे धीरे बनना लगेगा, तो इसकी हाइप या इसकी जो डिमांड है, जो नए यूज़र मार्केट से आ रहे हैं, उनकी फिर वहाँ पर वो पोजीशन धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर संजीत जी ने लिखा है, उमर खान ने अपना अभी तक कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, हर प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देता है और नए नए प्रोजेक्ट लाकर केवल अपनी जेब भर रहा है। BFIC, BLV, बुलेटो, BLV, डक्सा और बीस्टो, टाइम टू ट्रेवल, सभी अधूरे पड़े और फिर एक नया प्रोजेक्ट BFIC गोल्ड। देखिए, ये मेरा जितना एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ में रहा है, तो मेरा BLV नेटवर्क और बुलेटो के साथ में रहा है, और उससे पहले BFIC की हम स्टार्टिंग की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट वो रहा था, हिट रहा था वो प्रोजेक्ट, जहां पर वो लगभग $44-45 तक वो गया था, तो उसको गलत नहीं कह सकते। BLV में अच्छा खासा कम्युनिटी इतनी गेन करना, इसको भी आप गलत नहीं कह सकते। टारगेटेड जो कंपनी ने किया था उसकी उम्मीद से कई गुना बेहतर यहाँ पर कम्युनिटी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं लूपहोल कहें या कहीं ना कहीं कंपनी की मिसमैनेजमेंट कहें, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सप्लाई को लेकर के मार्केट में ज़्यादा आना, तो वो चीज़ तो यहाँ पर मार्केट में बिल्कुल हुई है। उसके अलावा बी स्टोर, टाइम टू ट्रेवल, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट का वो नहीं है कॉन्सेप्ट, बी स्टोर हो गया, टाइम टू ट्रेवल हो गया, ये सभी कंपनी बैकहेंड में इनके ऊपर काम करिए। अगर आप दुबई जाएंगे ऑफिस में तो आपको दिखेगा, इन ऑफिस में लोग ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, कंपनी लगातार और उमर खान जी भी लगातार उनसे फॉलोअप लेते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और बिलीव मेक फ्यूचर, ये रुपेश जी ने इसमें लिखा है, देखो मैं लाइक भी कर दे रहा हूँ साथ साथ, बिलीव मेक फ्यूचर। हाँ, ये तो आपको हर फील्ड में यही होगा कि भाई जब आप पर्टिकुलर, चाहे आप ज़मीन खरीद रहे हो कहीं भी, जब आप ज़मीन खरीदेंगे या प्लॉट खरीदेंगे, जब आप खरीदते समय आपको ये लगेगा यार मेरा इन्वेस्टमेंट महंगा, यानी कि आपको वो चीज़ महंगी लगेगी, लेकिन अगर आपने उस समय पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप फिर फ्यूचर की तरफ देखेंगे, यानी अगले 5 साल बाद आप मुड़ करके देखेंगे, तो शायद आपको यकीन होगा कि मोस्टली 95% तक यही होता है, लेकिन 5 साल बाद आप वापस जा करके देखेंगे मुड़ करके, तो आपको लगेगा कि हाँ जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो बिल्कुल सही था। तो भाई क्या BLV $2 पर लिस्ट होगा? यहाँ पर इमरान मोहसिन जी ने लिखा है, भाई उम्मीद तो यही है कि सब कुछ सही होगा और आने वाले समय में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं, तो जल्दी ही हमको इसके बारे में पता भी चल जाएगा। BLV से पहले इनोवेशन फैक्ट्री को कोई नहीं जानता था, 90% कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री की BLV की है, जब तक BLV वालों को एग्जिट नहीं मिल जाता तब तक इनोवेशन फैक्ट्री का
कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होने वाला। अब ये तो देखिए BFIC गोल्ड में पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितना ये सक्सेस रहा, क्या रहा है। हालांकि कंपनी, कोई कंपनी नहीं चाहती उसका आने वाला जो भी नया प्रोजेक्ट हो वो फेल हो, और कंपनी चाहती है कि जितने उसमें इन्वेस्टर हों उन्हें सही प्रॉफिट वहाँ पर मिले। तो आई होप कि सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद में डेक्सा को लेकर के भी यहाँ पर आया कि डेक्सा को लेकर के ये चीज़ मैं पूछूंगा एक बार कि डेक्सा को लेकर के क्या चल रहा है। बाकी इस वीडियो के कम डाउन में जितने भी क्रिप्टो से लेकर के आपके पोर्टफोलियो आपको अगर बनाना नहीं आता है तो इस बुल रैली में जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो कौन से हो सकते हैं, तो उसको लेकर के मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो खुद मेरी यहाँ पर होल्डिंग है कि यहाँ पर 2024 में 2025 में अगर आपने 2 साल की अपनी होल्डिंग दिखाई तो काफ़ी अच्छा गेन यहाँ से आप ले सकते हैं। भाई 250 लाइक का टारगेट है और कम से कम यहाँ पर मुझे 100 से 125 कमेंट यहाँ पर इस वीडियो को डाउन में चाहिए। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं आपको सारी की सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर इथेरियम को लेकर के तमाम जो कंपनीज़ हैं वो भाई स्पॉट ETF के पीछे पड़े हुए हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बुल मार्केट में इथेरियम का जो रेट है वो लगभग $27,000 या $25,000 के ऊपर जा सकता है। आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।